Dawn Express. Aina Sashka. डॉन एक्सप्रेस में आप सबको हार्दिक शुभकामना है। आशा है आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। सुख ना सही शोक बटने का मानव जाति का रुआवत रही है। यही रुआवत तो मानव को फसू से अलग करती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि सुख बटने से दुगना हो जाती है और दुख बढ़ने से आधा रह जाती है। जब हम अपने सुख के किसी पारिवारिक सदस्य मित्र या संबंधी के साथ बांट कर प्राप्त सुख का भोग करते हैं तब हमारा सुख दुगना हो जाते हैं। इसी तरह जब कोई हमारे जीवन में आए दुख को बांटना चाहते हैं या फिर बांट लेता है तो दुख भी आधा रह जाती है। वस्तु तो सुख और दुख को बांटने की प्रक्रिया में मूल रूप से व्यक्ति की संवेदना काम करती है। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी एक चीज पर प्रभाव पड़े है वो है मानव जाति की संवेदना पर। सीधे कहे तो हमारी संवेदना मर गई है। विश्वास ना हो तो कंसास के चौधरी परिवार की ट्रेजेडी को देख जान लीजिए। कोरोना के डर से हर तरह की सुखी संपन्न होने के बावजूद दुखों के पहाड़ तले दबे इस परिवार से व्यक्ति जाति धर्म समाज और व्यवस्था सब ने मुंह मोड़ लिया है। कि एक के बाद एक 6 सदस्यों की जान ली है। 2 सदस्यों की पार्थिव शरीर को तो लावारिस मानकर रेम प्रशासन रांची को खुद अंतिम संस्कार करना पड़ा। तीसरे के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कैसे अंतिम संस्कार हुआ। धनबाद के कंसास के चौधरी परिवार के 6 सदस्यों की मौत कोरोना से हो गई। सबसे पहले परिवार में माँ का मौत हुई, जिसके बाद 19-20 जुलाई 2020 की रात रेम्प में उसके 5वें बेटे ने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद उसका शव ले जाने के लिए परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आया। शव 48 घंटे से अधिक समय तक रेम्प की शीत गृह में पड़ी रही। इसके बाद बुधवार की करीब 1 बजे जिला प्रशासन की टीम द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के लिए शव को रेम्प के मर्चरी से हरमो स्थित मुक्ति धाम ले जाया गया था। रेम प्रशासन के अनुसार परिजनों को मौत की सूचना दी गई थी, जबकि परिजनों का कहना था कि वो सभी क्वारंटाइन में है और आने में असक्षम है, जिसके बाद 2 दिनों तक सब रेम में पड़ा हुआ था। कनरास का चौधरी परिवार काफी समृद्ध माना जाता है, लेकिन 6 लोगों की मौत के बाद इस परिवार में अब रोने वाला भी नहीं बचे। 16 दिन में ये परिवार तिनकों की तरह बिखर गया। 20 दिन पहले इस परिवार में शादी की सहनाई गूंज रही थी। घर में शादी थी, पोते के शादी में शामिल होने दिल्ली से इस परिवार में मुखिया 90 वर्षीय वृद्धा दिल्ली से आई थी, जबकि मौत के बाद 5ों बेटे अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अब माँ और उसके 5ों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार ऐसा टूटा कि किसी का श्राद्ध कर्म तक नहीं हो सका। अभी भी इस परिवार में 3 सदस्यों को कोरोना संक्रमित होने का कारण रांची रिम्प में इलाज हो रहा है। वही अगली खबर, कोरोना से आयुर्वेद में गिलोय की गली रामबाण साबित हो सकती है। आयुर्वेद चिकित्सा की मानना है कि यह मनुष्य की इम्यूनिटी बूस्ट बढ़ाने की कारगर साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानने के अनुसार एलोपैथी की अलग अलग दवाइयाँ कोरोना संक्रमित को जहाँ 10 से 12 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकती है, वहीं गिलोय की टैबलेट मरीज को 5 से 7 दिन में नेगेटिव कर सकती है। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक जयपुर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ओर से प्रदेश से ये गिलोय में रिसर्च चल रहा है। इनमें से जयपुर जोधपुर भीलवाड़ा कोटा शहर के भी शामिल किया गया है, जहां आयुर्वेदिक विभाग को और से 2000 लोगों को चयन किया गया है। नॉन कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी बूस्टर की तौर पर कोरोना से बचाव के लिए गिलोय दे रहा है। आयुर्वेद में गिलोय की गोली का रिसर्च 18 से 70 वर्ष तक के लोगों पर चल रहा है। यह रिसर्च 25 जून से चल रहा है, 45 दिन तक चलेगा। इसमें अब तक 1600 स्वस्थ लोगों को 500 मिलीग्राम की गिलोय की गोली बांटी जा चुकी है। रिसर्च 2 तरह की लोगों पर हो रही है। एक परिवार में यदि 4 सदस्य है तो 2 को गिलोय की गोली दी जा रही है, 2 को नहीं। इनमें ज्यादातर रोजाना बाहर जाने वाले दुकानदार व्यवसायी नौकरी पेशा और अन्य शामिल है। ये रोजाना सुबह शाम गिलोय की गोली खा रहे हैं। इनकी प्रतिदिन गुरुजी डायरी ऐप से मॉनिटर की जा रही है। इन पर अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। गिलोय की तना इम्यूनिटी बढ़ाने और एंटीवायरल गुण के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी वायरस की विरुद्ध ये पहली बार परीक्षण किया गया।
डॉक्टर एल एन गुप्ता के नेतृत्व में ये चिकित्सा की टीम काम करी है। इनमें रिसर्च कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मेघना शेखावत, डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेंद्र हाड़ा, डॉक्टर मुक्ति शर्मा, डॉक्टर पूजा शर्मा, डॉक्टर पवन सोनी, डॉक्टर सेल्फी कंसल, डॉक्टर मोहम्मद असमल, डॉक्टर मनोज मीना भी शामिल है। रिसर्च कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मेघना शेखावत ने बताया कि गिलोय की कोविड-19 पर हमारा शोध चल रहा है। हम अपने शोध को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित करेंगे। इसका एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, उसके बाद इसका निर्णय होगा। वही अगली खबर, देश में कोरोना संकट के बीच सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। ऐसे में जल्द ही स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जारी जोरों पर है। कोरोना संकट के कारण दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर इस बार नजारा कुछ अलग होगा। इस बार 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मेहमानों की भारी भीड़ नहीं होगी और ना ही कोई बड़ी संख्या में स्कूल बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। कार्यक्रम के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक इस बार 15 अगस्त के मौके पर काफ़ी कम मेहमानों को न्यौता दिया जाएगा और इस बार कार्यक्रम में स्कूल बच्चे शामिल नहीं होंगे, जो पहले हर साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के ठीक सामने बड़े संख्या में स्कूल बच्चे मौजूद रहते थे। इस बार के कार्यक्रम में जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग की ध्यान में रखकर किया जाएगी, जिसमें 2 गज की दूरी रखी जाएगी। इस बार के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोविड वॉरियर्स को आमंत्रित किया जा सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त की संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोरोना वैक्सीन, सीमा सुरक्षा और कोरोना की लड़ाई में स्वदेशी अभियान ने किस तरह से बढ़ चढ़कर कदम उठाए, इन विषय पर जिक्र किया जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में लाल किले के आसपास तैनात पुलिस पीपीई किट पहनकर रहेंगे। हर साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर करीब 1000 लोग अतिथि बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण केवल 250 के लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा। वही अगली खबर, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने घोषणा की है, कोरोना वायरस के मरीजों के उपचार के मदद के लिए उसने फेविपिराविर दवा को इस्तेमाल के लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से रेगुलेटरी अप्रूवल ले लिया है। इस दवा को सिप्लेंजा ब्रांड के नाम से लॉन्च किया जाएगा और इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए आपातकालीन तौर पर किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि दवा की मांग को पूरी करने के अपने प्रयासों के तहत वह अगस्त के पहले सप्ताह में कमर्शियल तौर से सिप्लेंजा को लॉन्च करेगी और प्रत्येक टैबलेट की कीमत 68 रुपये होगी। कंपनी की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज में कहा गया है, दवा की उचित और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई मुख्य रूप से हॉस्पिटल चैनल्स और अपने चैनल्स के माध्यम से की जाएगी। वही अगली और इंटरेस्टिंग खबर, इस हफ्ता इसराइल से वैज्ञानिक एक स्पेशल फ्लाइट से भारत आ रहे हैं, जो अपने भारतीय समकक्ष के साथ कोरोना वायरस की जांच में 4 नए तरीके खोजेंगे। यदि ये सफल होते हैं तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को गेम चेंजर साबित हो सकती है। इनमें से 2 टेस्ट लार नमूना की जांच के बाद मिनटों में परिणाम देंगे। तीसरी जो तरीका है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरी तरीके में किसी की आवाज से ही बताया जा सकता है कि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। चौथी तरीके से सांस नमूने के रेडियो वेव से संक्रमण को पता लगाया जा सकेगा। फोन पर आवाज के जरिए भी संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। वही अगली खबर, कोरोना वायरस के लेकर बिगड़े रिश्ते की वजह से अमेरिका ड्रैगन को एक के बाद एक टेंशन दे रही है। अब ट्रंप सरकार चीन को US डॉलर सिस्टम से बाहर निकल सकती है या उसके एक्सेस में कटौती कर सकती है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग में पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के इस संभावित कदम को लेकर बीजिंग टेंशन में है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की बैंक फाइनेंशियल लेनदेन की जानकारी देने और प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह इन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में अमेरिकी डॉलर की भूमिका अहम है। वही अगली और सबसे इंटरेस्टिंग खबर, एक बकरे की दाम 1 करोड़ से भी अधिक लग चुका है, फिर भी बकरे की मालिक बकरा नहीं बेचा। आइए जानते हैं विस्तारित। दरअसल राट कोतवाली क्षेत्र में बहोपुर गांव में चांद बना एक बकरा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपये की भी बोली लग चुकी है। बता दें कि आगामी 1 अगस्त की बकरीद का पर्व है। बकरीद के पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोग बकरी की कुर्बानियाँ करते हैं।
शनिवार और रविवार की बंदी होने से मुस्लिम समुदाय के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बकरा खरीद रहे थे। वहीं राठ क्षेत्र से करीब 10 किमी दूर वहफुर गांव में एक बकरे में चांद का निशान बना होने से लोगों ने उसकी बोली 1 करोड़ से अधिक तक लगा दी है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जब इस बारे में बहफुर पहुंच बकरा मालिक से बात की तो उसने बताया कि उसके बकरे में चांद बना हुआ है, जिसे लेने के लिए कानपुर और राठ से लोग आए हुए हैं। बताया कि कानपुर व राठ के लोगों ने बकरी की कीमत 1 करोड़ से अधिक की दावा किया है, लेकिन बकरी की मालिक उसका बकरा नहीं बेचा। सावर, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद द डॉन एक्सप्रेस।